आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जिला पंचायत रीवा की बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने मुद्दा को लेकर जमकर शोर मचाया। वहीं जिला पंचायत की अध्यक्षा खुद ही विवादों में घिरती नजर आई। हालात यह रही कि एक जिला पंचायत सदस्य सदन के अंदर धरने पर ही बैठ गए। बाद में मामले को शांत कराया गया। सदन ये सदन नहीं है, ये सदन है। सदन में आपको मानना चाहिए, ये सब सदन ये तीन लोग आपने गलत किया है, तो अभी माफी मांगना पड़ेगा। मैं अंदर बैठा हूँ, नहीं बैठूंगा, मैं बैठा हूँ। मनमानी नहीं चलेगी, आप देखो मनमानी नहीं चलेगी। जो आप मनमानी से अपने भूमि पूजन करते हैं बिल्कुल नहीं चलेगी। एक बार जिंदाबाद नहीं दादा भाई, बिल्कुल। ये मैंने माफी मांगे तो उठूंगा नहीं, उठूंगा नहीं, मैं बैठ गया बस। मैं माफी मांगे भूमि भूमि पूजन करना ये किसी के जिला पंचायत सदन जाके उनको न बुलाना, ये इनकी मनमानी है। मैं बैठ गया नहीं, ये गलत है। मैं आपको बता दें, जिला पंचायत रीवा की बैठक बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई थी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्षा सहित उपाध्यक्ष, सीईओ और समस्त जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान वार्ड क्रमांक 15 के सदस्य लालमण त्रिपाठी ने जिला पंचायत की अध्यक्षा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा ऐसे निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर दिया गया है जिसकी अब तक स्वीकृति नहीं मिली है, जिसको लेकर गहमा गहमी मच गई और इस पूरे मामले की जांच को लेकर जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पतोता से पुरास मार्ग के निर्माण कार्य की राशि अब तक मंजूर नहीं हुई है, इसके बावजूद भी जिला पंचायत के अध्यक्षा द्वारा उक्त निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर दिया गया है। जिस निर्माण कार्य की राशि ही नहीं मंजूर हुई उसका भूमि पूजन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए सदन में ही धरना शुरू कर दिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना था कि उन्होंने मंदिर पर बैठकर पूजा की है, ना कि सड़क का भूमि पूजन किया है। अगर मंदिर में पूजा करना गलत है तो वह सदन से माफी मांगने के लिए तैयार है।